हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप ये जो देख रहे हैं बहुत सुंदर मखमल की तरह दिखने वाला फूल, इसको सेलोसिया कहते हैं, कॉक्सकॉम कहते हैं और मुर्गा फूल भी कहते हैं। मुर्गा फूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप मुर्गे की कलगी जैसा होता है ना, देखिए। और ये बहुत आसानी से लग जाने वाला, बहुत सारे रंगों में मिलने वाला प्लांट है। आप एक बार लगा लेंगे तो ये हमेशा रहेगा आपके बगीचे में। हमेशा रहेगा से मतलब कि इसके ये जो बीज हैं गिर गिर के हर जगह सूख सूख के गिरते रहते हैं और नए नए प्लांट्स अपने आप उगते रहते हैं। तो मतलब मैंने ये कई साल पहले एक बार लगाया था, तब से हमेशा ही है मेरे बगीचे में। एक प्लांट सूख जाता है फिर दूसरा अपने आप ही उग जाता है। विंटर्स का ये बहुत ही कॉमन प्लांट है और कई इसके दो तीन बार लगा सकते हैं आप, है ना। और इसमें एक तो ये वाला है जिसमें चौड़ा सा आता है, एक और आता है एरो वाला, नुकीला सा होता है ऐसा, उसमें स्पिंडल शेप में। करते हैं कि इसकी देखभाल कैसे करनी है और ये कैसे लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से लग जाने वाला प्लांट है और ग्राउंड में आप लगा रहे हैं तो हर तरह की मिट्टी में लग जाता है, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो आपको वेल्ड्रीन सॉइल ही बनाना चाहिए, जिसमें वन पॉट सैंड, वन पॉट कंपोस्ट और वन पॉट गार्डन सॉइल हो। और मिट्टी में हमेशा नमी रहे क्योंकि ये प्लांट को नमी बहुत पसंद है और ये फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, ठीक है। तो आप इसके बीज देखिए, आपको बताते हैं, ये जो है ना इसके बीज राई जैसे होते हैं, बहुत बारीक बारीक। ये देखिए जो इसमें ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, यही इसके सीड्स हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं यही इसके सीड्स हैं। बस मिट्टी में गिरा दीजिए आप और छोड़ दीजिए, 10-12 दिन में ही छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं और आप फिर उनको कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मेरे घर में ये पौधे हर जगह उगे मिलेंगे आपको, देखिए दिखाती हूँ। अगर आप किसी बड़े पॉट वगैरह में लगाते हैं तो ये काफ़ी ऊंची हाइट के चले जाते हैं, ये 5 फीट से भी ऊंची हाइट का है जो आपको दिख रहा है ना ये। और ये ऊपर उठ के और ये नीचे मुड़ गया है, काफ़ी ऊँचा है। इसके सपोर्ट के लिए आपको इसमें स्टिक लगानी पड़ती है, स्टैकिंग करना पड़ती है और बहुत अच्छे ये फूल इसमें आते रहते हैं। अब इतना लंबा भी बांस ही नहीं है इसलिए ये नीचे गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया इसकी सॉइल कैसी होना चाहिए और नेक्स्ट इसको मैंने आपको बताया कि इसको सीड से कैसे लगाया जा सकता है। ये कटिंग से भी लग जाता है ना, लेकिन मौसम होना चाहिए। जैसे विंटर थोड़ी और बढ़ जाए तो आपका एक प्लांट यूज़ हो चुका तो आप उसकी कटिंग्स लगाएंगी तो वो लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसको, ये फुल सनलाइट का प्लांट है, आप इसे जहाँ भी रखेंगे इसको खुली धूप मिले तो बहुत अच्छा रहता है। और इसकी हाइट देख रहे हैं आप, खूब अच्छे होते हैं और तने इनके काफ़ी नाजुक से होते हैं। तो इसमें आपको अगर बड़े गमले में लगा रहे हैं तो आपको इनमें डंडा इनके सपोर्ट के लिए लगाना पड़ेगा, स्टैकिंग करना पड़ेगी, ठीक है। या किसी दीवार, देखिए मैंने भी इसमें बांध रखे हैं, स्टैकिंग कर रखी है इनको, तो ये सीधे हैं। अदरवाइज अभी पीछे दिखाया था मैंने आपको, वो बिना स्टैकिंग के लुढ़क गए। नेक्स्ट है इसकी वाटरिंग, तो ये मॉइस्ट लविंग प्लांट है, इनमें पानी डेली चाहिए, ठीक है। पानी आप नहीं डालते हैं तो ये झुक जाते हैं, ये देखिए ये ऐसे झुक गया है। अब इसमें पानी डाला है अभी तो ये सवेरे तक बिल्कुल सीधा हो जाएगा अपने आप, तो पानी की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत। नमी का बिल्कुल खास ख्याल रखें। नेक्स्ट है इसमें पेस्ट वगैरह, तो फ्रेंड्स इसमें ऐसे कोई खास पेस्ट वेस्ट लगते नहीं है, लेकिन जो आप अपने रेगुलर नीम ऑयल और डिश वॉश का स्प्रे सभी प्लांट्स पे कर रहे हैं इन पे करते रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। पानी डालते टाइम ध्यान रखिए कि आप इनके ऊपर पानी ना डालें, फ्लावर्स के ऊपर, क्योंकि फ्लावर्स का पानी बहुत मुश्किल से सूखता है और वो गीला रहता है, नमी रहता है, तो पेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब पेस्ट अटैक होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। इसलिए आप इन पे पानी जब भी डालें तो नीचे पत्तियों पे डालें, फ्लावर पे पानी ना डालें। और नेक्स्ट है कि इनका एक फ्लावर एक बार खिल जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक खिला रहता है। ये जो फूल खिले आप देख रहे हैं करीब महीना भर से खिले हुए, ज़्यादा ही टाइम से खिले हुए हैं और अभी मुझे आप देख रहे हैं कि और ज़्यादा खिलते रहेंगे। और ये इसमें जैसे ये सूख रहे हैं तो ये झड़ रहे हैं तो इसमें से इसके बीज निकल रहे हैं, यही इनके बीज हैं। ये देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, यही इनके सीड्स हैं, तो यही इनके ऐसे डाल देती हूँ मैं तो, और ऐसे ही उगते रहते हैं ये। तो फ्रेंड्स, इसमें फर्टिलाइज़र की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है, आपने जो पॉटिंग सॉइल बनाते टाइम फर्टिलाइज़र डाला था वो इनके लिए सफिशियंट है। और आप जब दोबारा इनकी पौध लगाएंगे तो आप फिर पॉटिंग सॉइल बनाएंगे तो फिर इनको फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो आपको, ये तो मैंने अपनी बड़ी बड़ी वैरायटी के बारे में बताया, ये दो वैरायटी के होते हैं, बड़ी वाली वैरायटी के बारे में बताया, एक और इनकी डॉर्फ वैरायटी होती है, छोटी वैरायटी होती है, उसमें हार्डली प्लांट जो होते हैं 1 फीट तक की हाइट के होते हैं और सेम इसमें कलर्स भी आते हैं, सेम इनकी देखभाल भी सेम ही होती है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।